मैं बथेरा चीकी चलाई, बड़िया मैं चीक मारियां, बड़ा मैं वावेला किया, लेकिन एक उस कोठी दिया दीवारा बड़िया उचिया सन, उन्होंने मेरी आवाज़ बाहर ना आई। मैं घर दैवं वेच के अपने घर का गुजारा करना शुरू कर दिता। आहर देख के ढिड भर दे तो ना सुबह तो लैके शाम तक चंगी चंगी छावों के ना लैन बिरयानी हो गई, कौरमा हो गया, फरूडा धुंद भी हूँ शहर च पैना शुरू हो गई हल्की हल्की। मैं जिते मैं अस्सलाम वालेकुम जी, शुरू करने अज का विलॉग। अज का विलॉग जनाब के दसंबर की 2 तरीक हो गई है, धुंद भी हूँ शहर च पैना शुरू हो गई हल्की हल्की। मैं जिते मैं खड़ा वा वो एक मैदानी इलाका है, मतलब कि कब्रस्तान है, नाल दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा धुंद होंगी है इतने, हूँ तो चलो अलहमदुल्ला धुप निकल आई है। मैं दसंबर का महीना जड़ा हूँ, स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा सर्दी की हो जाती है, अगे सर्दी बदनी है, मजीद 2 महीने 3 महीने सर्दी रहनी रहनी है। तो जी अज मेरे नाल छोटा काका भी आया, साढ़ो उपर देखो उपर देखो, अच्छा छोटा काका भी आया साढ़े नाल, ये लाडा पाडा जी। अच मेरे नाल लाडो भी आ गई है घरों, के जिद कर रहे नाल जाना वे, तो मैं क्या चलाया पुत्र चली। अच्छा जी अज की स्टोरी है कि भुख जी है ना, कुछ खाद्य ही बंदे की खत्म होंगी है, तो ये ऐसी अल्लाह तला ने इंसान के नाल इहदा सिस्टम कर दिता है पेट का कि ये भरन तो बगैर गुजारा नहीं है, बकाया बंदा हर काम तो बगैर गुजारा कर सकता है। जो पेट च कुछ जाना है फिर निज़ाम होना है, अदरवाइज अगर पेट च कुछ नहीं जाना है तो तुसी इस पेट नूं भरन वास्ते तुसी कुछ भी कर सकते जी, किसी भी हद तक जा सकते जी, जिंदा मसाला ने दुनिया से। तो मालक अपने खजाने चो दवे बरकत दवे तो वो ही स्वाद है, तो अल्लाह ताला ने सीधे रस्ते भी दसे देने, पुठे रस्ते भी दसे देने, कुछ तो सीधे रस्ते दे कुछ सीधे रस्ते दसे देने, तो अल्लाह ताला सीधे रस्ते दे चलावे, तो जिहड़े उल्टे रस्ते ने कुछ लोग आते हैं शौक नूं, कुछ आते हैं बड़ी मजबूरी में। अज की स्टोरी इस तरह की हुई है कि चीज़ा हो ना, मतलब कि खाने वाली तस्वीर हो ना, वो वेख के ढिड भर दे तो ना सुबह तो लैके शाम तक चंगी चंगी छावों के नाल लैन बिरयानी हो गई, कौरमा हो गया, फरूट हो गया, पिज़्ज़ा बर्गर हो गया, इस तरह दी होर छावं लैन उन्हों के ना लैन के नाल ढिड नहीं भरता है जिनी देर तक ढिड के अंदर नहीं जानिया है। अच्छा जी एक ना औरत का खावं काम की तलाश से जा रहा है, तो रोड एक्सीडेंट होया तो मर गया, वो बच्चे निके निके सन, तो उन्हें केस कर दिता जिदे कोलो मरिया वो हालात वो इस तरह के हैं कि वो तो अलावा कोई वो मदद करने वाला भी नहीं सी है, कुदरत का निज़ाम से। तो अदालत जाती आँदी रही, लेकिन एक पैरवाई ना हुई तो वह केस लमक गया, तो वो हालात इस तरह के हो गए बंदा मरन तो बाद, उन्हें घर दियां छावां वेच के अपने घर का गुजारा करना शुरू कर दिता। आखिर किन्नी देर तक निज़ाम चलना से, उन्हें अपने घर के कोल किधर काम लभ्या तो कोठी से काम कर लग पे, कोई साहब हसीयत इंसान से उहदे वल काम करती रही है करसा, तो उन्हों का प्रोग्राम बन गया मुलक छड के बाहर जाने का। जो तो मुलक छड के बाहर चले तो उन्हें कही तेरी सानू जरूरत नहीं है गई, तो तू अपने काम का बंदोबस्त कर लै, उन्हें जवाब हो गया, तो अपने घर आ गई। घर आई तो कुछ दिन बाद बिल आ गया, बड़ा ज़्यादा बिल आ गया, खान पीन का निज़ाम भी खराब हो गया, बिल भी आ गया, लेकिन बिल जमा कराते तो कोई पैसे नहीं सन है। वो बिल लैके फिर दोबारा उस कोठी से गई, तो उन्हें दरवाज़ा खड़काया, तो अंदरों जड़ा है ना साहब वो बाहर आया, कल्ला ही घर ज साहब उन्होंने अंदर लै गया, उन्हें जा गल की साहब जी बिल आया तो मेरे को गुंजाइश नहीं है जमा कराने, तुम मेहरबानी कर दवो तो जड़े पैसे तुम दवोगे मैनू वो मैं ना तुहाडे घर के काम करके तुहाडा कर्जा ला दांगी। गल तो उन्हें उन्हें बिल्कुल असूलन की, लेकिन ये कि साहब जी ने उहदे नाल ओह कीता जड़ा कोई बेगैरत ते इंतहाई जलील इंसान करता वे, किसी की मजबूरी का फायदा चुकता वे। उहदी मैं बथेरा चीकी चलाई, बड़िया मैं चीक मारियां, बड़ा मैं वावेला किया, लेकिन एक उस कोठी दियाँ दीवारां बड़िया उचिया सन, तो उन्होंने मेरी आवाज़ बाहर ना आई। उस तो बाद मैनू वापसी आने लग्या, जरा साहब से उन्हें मेरे हाथ से इन्ने के पैसे फड़ा दिए कि मेरी मुठ बंद ना हो, तो
तो इन्ने के पैसे हैं कि मैं बिल जमा करवा के तो अपने घर दी जरूरत होर भी पूरियां कर सकदा सी। मैं अपना भला के बाहर आ गई, बड़ी मजबूर औरत सां मैं, तो मैं रोला भी नहीं सा पा सकती उहदे खिलाफ, कोई गल भी नहीं सा कर सकती, क्योंकि हमेशा वड्डा जिहड़ा आदमी हुंदा ना, जिहड़ा पैसे वाला हुंदा सच्चा हुंदा, तो गरीब झूठा हुंदा वे, चाहे जो मर्जी मामला तो आई जाए गरीब झूठा ही हुंदा। तो कहिंदी मैं घर आई तो फिर मैं इसे रस्ते ते तुर पई, मेरा निज़ाम नहीं सी हैगा, तो अपनी औलाद नूं मैं ये कहा, एक जिंदगी गुजरती गई, टाइम गुजरता गया, अपनी औलाद नूं मैं कहा जो मेरे ते आखिरी टाइम आने वाला सी, तो यह समझाया कि मेरी कबर च ना तुसी मेरे कफन दे विच एक बिजली का बिल रखना, दूसरे अदालत दे जिहड़े केस तुहाडे प्यो दे लगे सन ना, तो मैं नहीं उहदा इंसाफ मैनूं मिलिया, एक और रखने ने, तीसरा तुसी रखना वे अपना फीडर कि जिहदे च तुहानूं मैं दुध देंदी रही आ। मैं जदों मेरा अल्लाह को पेश होवांगी तो मैं गलबात करांगी उहदे नाल कि मैं इस वजह तो इस रस्ते ते तुरी सां। गल करन दा मतलब है, पता नहीं स्टोरियां सच हुंदियां ने कि झूठ हुंदियां ने, लेकिन जिवें पढ़ी दी है जिवें सुनी दी है उस तरह कोशिश करी दी है कि इहनूं वीडियो बना के ते तुहाडे तक पहुँचाइए। तो गल इह कि माड़ा बंदा कोई माड़ा भैन भरा आंढ गुआंढ दे जे तुसीं सब हसीए तो कर सकते तो चुप करके उहदी मदद करो, तो मदद इंज दी करो कि वो सिर्फ अल्लाह नूं तुहानूं ते उहनूं पता होवे, मज़ेदारी इहदे विच वे, ते बकाया अल्लाह ताला हर किसे नूं अपनी जनाब चो देवे, ते मालक दी मर्ज़ी है। कोई बंदा कहे ना कि मैं अपनी हुशियारी दे नाल अमीर होया वां, ते उस हुशियार शूर कोई नहीं हैगा, उहनूं मेरे मालक ने अता कीता। ते अगर कोई कहे कि मैं भाई बड़ा मेहनत करना वा ते मैं गरीब हाँ, तो इहदे च वी उहदी हुशियारी नहीं हैगी, इह वी अल्लाह दी देन है, मालक जो चाहुंदा है वह देंदा वे। अज्ज तां लोक इहदे खत्म करने आ जी, अल्लाह हाफिज़।